हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। बस रोहित को मिस कर रही हूँ। और जयपुर में हूँ फ़िलहाल। हो चुकी है शाम और बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7:30। एंड प्लानिंग्स कुछ ऐसी है कि अभी ना मेरे भैया का फ़ोन आया, भाभी का फ़ोन आया और बोलते दीदी आ रहे हो क्या घर पे? मैंने कहा कि क्या हुआ? बोलते नहीं, आपके भैया कह रहे हैं आप पार्टी दे रहे हो। मुझे पता ही नहीं है मैं पार्टी दे रही हूँ। ये भी आ गया, इधर आ। हाय तो कर दे, सिर्फ हाय कर दे पीछे से आके। अरे सिर्फ हाय कर दे, मैं ले लूँगी उसमें, फिर क्या करे? इतना शाय, इतना कैमरा शाय, इतना कैमरा शाय, आता ही नहीं है सामने। तो मैं किस चीज़ की? अभी पता है मामू का फ़ोन आया, मामी जी का, बोलते पार्टी दो। मैं क्या किस बात की पार्टी? कहते नहीं। मैंने भाभी जी को बोला किस बात की पार्टी, कौन दे रहा है पार्टी, मैं दे रही हूँ या भैया दे रहे? बोले नहीं, आपके भैया कह रहे हैं आप दे रहे हो। तो मुझे भी नहीं पता किस बात की पार्टी मांग रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है फिर चलते हैं, अभी पहली बार बोला है उन्होंने मुझे कोई पार्टी शार्टी के लिए, तो कैसे मना करें। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इधर आ रहे हो या मैं घर पर आऊँगी? तो भी वहाँ से फिर जाएंगे तो सब लोग जाएंगे, तो मैं ही वहाँ पर जा रही हूँ। मैं और मेरा हमारा भान सब जा रहे बेटा, वो तुझे नहीं जाना। इसको क्रिकेट खेलने की पड़ी है, इतनी क्रिकेट खेलने की पड़ी है, इतनी क्रिकेट खेलने की पड़ी है। खाना खाने बेटा, पार्टी का मतलब क्या होता है खाना? ठीक है तुझे घर छोड़ दूंगी, बस कहीं मत जाना। कह रहा मुझे नहीं जाना, मुझे तो वहाँ दोस्तों के साथ छोड़ देना। तो अभी मेरे पास रहता है ना, तो जाते हैं घर और लगाते हैं पता कि किसका बिल फटने वाला है, मेरा या उनका, आई डोंट नो। लेकिन बुला रहे हैं तो जाती हूँ। बाबू कोकू कोकू से हेलो, आई क्या देख रहे बेटा? ये देखो पूरे दिन बस सोने का काम है इनका, पूरे दिन और कोई काम नहीं। कोकू राजा बेटा, वो रॉक्सी भी आ गई। आजा बेटू, आज ऊपर आएगा आज। इनसे तो मेरा मन इतना लगा रहता है, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत मन लग जाता है। ये देखो इसके टाँके आए थे ना, ऑलमोस्ट अभी सूखने वाले हैं, सूख गए हैं वैसे, और शायद कटवाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक वो फिर अंदर है। तो चलिए होते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे। सर रेडी शेडी तो मैं ज़्यादा होने वाली हूँ नहीं, जस्ट सिंपल जींस डालने वाली हूँ, टी शर्ट यही चलेगा क्योंकि बाहर है गर्मी या जो भी बोलो, मुझे रेडी होने में बहुत जोर आता है, मुझे पता नहीं क्या लगता है। जहाँ पे भी जाना हो आप जैसे हो वैसे ही चले जाओ। तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट रेडी, आई विल जस्ट गो एज आई एम नाउ। बस मैं थोड़ी सी सभ्यता इंसानों जैसे दिखने के लिए जींस डालूंगी बस, और चल के जा रही हूँ। गाओ गाओ जाऊँगा, जाओ 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 खींच करो। सो चलिए चलते हैं। सो जींस मैंने डाल लिया है और फेस पे मैंने सिर्फ लगाया है मॉइस्चराइज़र, और इस बार मैंने अपना मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ तो उसको बहुत पहले से कर रही थी बट बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं आपको पता है क्विंच वाला लगा रही थी, बट ये बायोटिक का है। मेरी सनस्क्रीन जो होती है वो भी बायोटिक की होती है क्या? ठीक है सॉरी, मैं अपनी आँखें लगा रही थी वरना मुझे फिर बहुत अजीब सा लगता है। सो यस, मैं आपको कह रही थी कि ये जो बायोटिक का मॉइस्चराइज़र है बहुत अच्छा है, अगर आपने आज तक नहीं लगाया तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार ज़रूर लगा के देखें। और इसके साथ अगर बायोटिक जो सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ वो सनस्क्रीन आप लगाते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिटरली बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र इज़ लाइक ये हर एक तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। सो I would suggest you to go for it once, and literally I'm just telling you कि once you will use it, I think आप दूसरे के लिए नहीं जाएंगे, because 100% आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। आई मीन मेरे स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। क्विंच का भी मैं एक बार कहूँगी कि मतलब अगर कंपेयर करना हो मुझे क्विंच और बायोटिक के अंदर, सो आई गो फॉर इट। सो यस दिस इज़ वेरी गुड। एक्चुअली मेरी पूरी शूटिंग मेरा भांजा कर रहा है, उसको कैमरे के सामने आने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है बट वो शूटिंग बहुत अच्छी कर लेता है। तो इसी के साथ लगाने वाली मैं अपना स्पेक्ट्रा का ये परफ्यूम, जो कि आई एम इन लव विद दिस परफ्यूम एंड दिस क्यूट क्यूट बॉटल। सो यस आई जस्ट
सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये देखिए इसको मैडम को कैसे सो रही है। रॉकू रॉक्सी हेलो हेलो। सो बस हम लोग निकलने वाले हैं और निकलने से पहले जो हमें चीज़ें संभाल ली हैं वो ये कि यहाँ पे खाना है या नहीं, पानी ठंडा है या नहीं, दैट्स ऑल। तो जब ही रहता है बिकॉज मैं मुझे आने में वही 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक अकेला रहना है यहाँ पे। सो यस, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है क्योंकि ऑफकोर्स ना उन्हें भी खाने पीने के लिए तो चाहिए। और फिर बिल्लियों की आदत होती है ना थोड़ी थोड़ी देर में खाने का, मतलब इनको अगर एक साथ में खाना दे देती हूँ वो नहीं खाती है, तो मुझे ऐसा होता है कि इनको हर 1 घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा 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 खाना, क्योंकि थोड़ी सी नौटंकी है तो इनके नखरे भी बहुत ज़्यादा है। सो वी आर ऑल सेट टू गो एंड चलते हैं चलते मामू की चपेट लगाएंगे अपन, तो वही आप दो पार्टी हम भी दे रहे। हम जो है निकल चुके हैं अपने मम्मी के घर के लिए। अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो एक्चुअली मुझे पार्टी के लिए ही बुला रहे हैं। तुझे तुझे क्या लगता है बेटा, पार्टी होगी कि नहीं होगी? हो भी सकती है, बट बुलाया है तो ऑब्वियसली पार्टी के लिए ही बुला रहे होंगे। बट ऐसे आपके भी लग सकते हैं। तो वो तो उन्होंने मुझे खुला बोला है कि पार्टी तुझे देनी है, बस आपके ही है। तो आप इतनी खुशी खुशी जा रहे हो, एटीएम कार्ड लेके आए हो ना, फोन है ना अपना, फोन जिंदाबाद। इंडिया में इस चीज़ की सहूलियत है, हालांकि हाँ चलो सब जगह बाहर भी एप्पल पे होता है, तो यहाँ पे तो मैंने भी एप्पल पे भी मुझे पता भी नहीं इंडिया में एप्पल पे है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। सो बट जो भी है, फोन जिंदाबाद, फोन में होते हैं पैसे। बट मैं कोशिश करूँगी कि पार्टी हम लोग भाई से ले। सब हाय करो। ये मम्मी जो बच्चों की निगरानी करते हुए इधर हेलो करो, कोई कोनी व्लॉग है। सो हम आ चुके हैं मम्मी के घर। ये चिल्लर पार्टी जो पूरी खेल रही है, और ये सेकंड फ्लोर पे हमारा घर है, तो अब चलते हैं ऊपर। अब करो किची करो किची करो बेटा, किची कहते किची कहते हेलो। आ चुकी हूँ अपने घर और ओ मैडम हेलो, जय साहेब। किधर गए वो पार्टी का बोल के? अरे वो बैंक वाला है, सुन लिया। अच्छा सो ये मैं आ चुकी हूँ अपनी मम्मी के घर और ये भाभी पूजा कर रहे हैं, पूजा का टाइम हो गया। सो मैं आ गई अपनी मम्मी के घर, भाभी कर रहे हैं पूजा और भैया जस्ट मुझे भी नीचे मिले थे, जस्ट निकले थे, मैं आई थी और वो निकले थे, वो किसी काम के लिए बाहर गए हैं। सो भाभी कह रहे हैं कि बस आने वाले, ओ मेरा कूलर भर गया। सो कहें कि आने वाले हैं, जैसे ही वो आ जाएंगी वैसे ही आगे की प्लानिंग्स देखो, हम लोग कहाँ जाते हैं क्या जाते हैं कुछ नहीं पता। थोड़ी सी हमारे लिए भी प्रे कर लेना। बताओ मुझे क्यों बुलाया फोन करके? सच में जा रहे हैं ना, मतलब जो भी नेचुरल है वो सच में जा रहे हैं, इसीलिए बुलाया है? हम लोग तो रास्ते में यही बात करते करते आए थे, क्या है क्या नहीं है। कहते हो फोन पे लिख देता तो भाई लेट चाल सी काई जच्ची आज काई को नहीं। इसी के साथ ही हमारा ऑर्डर हो गया था। फाइनली भाभी जी जो है वो सर्विंग का काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह रही थी कि जो काम आप घर पे करते हो वही आप यहाँ पे भी कर रहे हो। सो बस यहाँ पे मंगवाया था खाना और बहुत ही यम्मी खाना था एक्चुअली, आई मीन ठीक था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। और अगर आप चाहते हो श्री राम ढाबा कालवा रोड पर, तो बेसन गट्टा उनका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज हमने दाल तड़का लिया था, कुछ पनीर का लिया था एंड एक बेसन गट्टा लिया था, जिसमें से सबसे बेस्ट थी वो बेसन गट्टा थी। यहाँ पे पापा मुझे पोज़ दे रहे हैं, तो मैं उनसे कह रही थी मैं फ़ोटो नहीं ले रही हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ,
तो आप पोज मत दो। तो बस खाया खाना और फाइनली उन्होंने मुझे दिया उन्होंने सरप्राइज बिल का पेमेंट करके। तो बस मुझे बुलाना एक ट्रिक थी उनकी, पेमेंट भैया भाभी ने ही किया था, आई मीन उन्हीं की तरफ से जो था आज का ये ट्रिक था। इसी के साथ बस खाना खा के निकल गए हम अपने घर के लिए और बस इसी के साथ बड़ा मज़ा आया, टेस्टी खाना था एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।